हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कौन सी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम जो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यानी यूपी यूएमएस की हम बात करने वाले हैं। यूपी यूएमएस की आपकी जो है आपका मेडिकल कॉलेज, मेडिकल साइंस जो कॉलेज है आपका सैफई इटावा में जो है यूपी में प्रेजेंट है, उसकी हम बात करने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपका जो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो है क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी है और कौन कौन इसको फिल कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, कितनी फीस रखी गई है, फॉर्म कब से कब तक डेट रहेगी, डेट क्या रहेगी, तब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म फिलिंग कैसे, ऑनलाइन भेजना है या नहीं, ऑफलाइन भेजना है नहीं भेजना, सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके पूछते हैं, बाकी आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है आपकी, सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन है वही आपकी जो है भरी जा रही है। ऑनलाइन अप्लीकेशन इन्वाइटेड ऑन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और सीबीटी टेस्ट यानी ऑनलाइन जो है एग्जाम होने वाला है। फॉर द नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 एंड पे मैट्रिक्स 44,900 एंड 142,400। तो यहाँ पर जो है 44,900 से 1,42,000 जो आपकी बेसिक आपको देखने को मिलती है, 1,42,400 आपको बेसिक देखने को मिलती है, यानी आपकी जो सैलरी है यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी सैलरी जो है ग्रॉस अगर हम बात करें तो सैलरी अप्रोक्स 80,000 आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 80,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो अब इसमें हम सबसे पहला पॉइंट आपका एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो क्या मांगा है इन्होंने उसकी हम बात करते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला है आपकी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट होना चाहिए। कोई भी जो है आपकी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद में जो बीएससी कैंडिडेट है, पोस्ट बीएससी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी है जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उनको जो है रजिस्टर्ड जो आरएनआरएम नंबर होना चाहिए वो कोई भी स्टेट या फिर आईएनसी के हो सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल कोई स्टेट का नहीं बोला गया है, यूपी का होना जरूरी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या कंडीशन दी है तो आगे हम बात करेंगे। तो जो जीएनएम, ये तो अब बात रही हमारी यहाँ पर बीएससी कैंडिडेट के लिए, ये थी बीएससी कैंडिडेट के लिए। अब जीएनएम कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अब जीएनएम कैंडिडेट के लिए बात करते हैं कि उनके लिए क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड, यानी आपको जो है जीएनएम कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके पास में आरएनआरएम नंबर होना चाहिए जो स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। साथ में यहाँ पर देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दे रखी है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रजिस्टर्ड विद कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी आफ्टर अक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में जो आपसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ये जीएनएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मांगा है। रिमार्क यहाँ पर दे रखा है, द रिक्वायर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज इन अबोव इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड द एक्सपीरियंस शैल मस्ट बी अक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जाम्पल आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट और नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पर जो है आपका जेएनएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दे रखा है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो 2 साल का होना चाहिए यहाँ पर, और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सबसे लास्ट में जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। क्लियर है। अब हम एज लिमिट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एज लिमिट की हम बात कर रहे हैं तो एज लिमिट जो है इन्होंने यहाँ पर 18 to 40 ईयर्स यानी अप टू 40 ईयर्स तक, जो जिनकी एज 40 ईयर्स तक है वो यहाँ पर एलिजिबल है कैंडिडेट। यू आर कैंडिडेट जिनकी एज 40 है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो एज है वो आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2024 तक। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, 1 जनवरी 2024 तक जो आपकी एज है वो काउंट होगी, यानी आप इससे पहले 40 से प्लस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे, इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी एंड अदर सच कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इन उत्तर प्रदेश
पर एज लिमिट विल बी एज हाई एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी जो कैंडिडेट कैटेगरी से है उनको 40 ईयर्स तो लास्ट है ही है, उसके बाद में जो स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो पब्लिक है उन्हीं के लिए यहाँ पर अप्लाई किया गया है। इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस इन द रिलेवेंट फील्ड एज इज रिलेक्सेबल अप टू पीरियड ऑफ 5 ईयर एज पर गवर्नमेंट रूल। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो लोग जिन्होंने 3 साल से ज्यादा जिन्होंने परमानेंट सर्विस दी है गवर्नमेंट के अंदर, उनको यहाँ पर 5 ईयर 3 ईयर का जो है यहाँ सॉरी 5 ईयर का जो यहाँ पर है एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। यानी 45 जिसने गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 45 ईयर का है, यूआर कैंडिडेट है तो वो यहाँ पर जो है 5 ईयर जो एक्स्ट्रा उसको मिलने वाले हैं। अगर कैटेगरी वाला है तो यहाँ पर कैटेगरी से 40 ईयर यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है, 5 ईयर यहाँ पर जो है कैटेगरी की मिल जाएगी, जो भी कैटेगरी की जो मिलती है स्टेट गवर्नमेंट में वो मिल जाएगी, प्लस 5 ईयर यहाँ पर जो है और मिल जाएगी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इस तरह से जो है एज यहाँ पर कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, इतना सोचोगे कि इतना कैसे हो गया। अब हम आगे चलते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट एंट्री पोस्ट ऑफ एक्स सर्विस मैन वाइड यूपी गवर्नमेंट नियुक्ति डीपीटी नंबर, ये जो भी है आपका ये रूल है आपका एक्स सर्विस मैन के लिए, यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेस मिलेगी, जो 3 साल से ज्यादा यहाँ पर जो है जिन्होंने सर्विस करी है उनको यहाँ पर अलग से मौका मिलेगा, उनको अलग से यहाँ पर जो है छूट मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कितनी वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 535 सॉरी 535 यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें से 500 जो है न्यू है और 35 जो है यहाँ पर सॉरी 35 वैकेंसी जो आपकी पुरानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बात करें पोस्ट की तो 535 टोटल है, जिसमें से 200 यूआर के लिए यहाँ पर रखी गई है, 50 ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है, ओबीसी के लिए 165 है जिसमें से 135 न्यू है और 30 बैकलॉग वाली वैकेंसी है, एससी के लिए 109 टोटल पोस्ट है जिसमें 105 जो है फ्रेश पोस्ट है और 4 पुरानी पोस्ट रखी गई है, और एसटी के लिए यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है जिसमें से 10 पोस्ट अभी नई है और 1 पोस्ट जो है बैकलॉग वाली है। दिव्यांग जो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल यहाँ पर अगर बात करें कि कुछ जो सीटें हैं वो अलग से यहाँ पर रखी गई हैं। अगर हम बात करें जो हैंडीकेप पर्सन है उनके लिए 4% रखी गई है, जो एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट है उनके लिए 5% रखी गई है, और डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है उनके लिए 2% सीटें अलग से रिजर्व रखी गई है। क्लियर है ये चीजें इंपॉर्टेंट? द शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एंड अदर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरी एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एडमिसेबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो भी आपका प्रेजेंट ऑर्डर है उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। अब हम नेक्स्ट फीस की बात कर रहे हैं कि कितनी फीस यहाँ पर लगने वाली है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कितनी फीस हमारी एप्लीकेशन की लगेगी तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग फीस लगने वाली है। यूआर कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर जो फीस है 2000 रखी गई है, प्लस 360 18% जीएसटी जो 360 होती है, टोटल 2360 रुपये आपको देने हैं। वहीं अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो सेम यहाँ पर 2000 फीस है फॉर्म की, प्लस जीएसटी यहाँ पर 360, तो यहाँ पर 2360 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो फीस यहाँ पर 1200 रुपये रखी गई है, और साथ में जो जीएसटी है 18% जो कि 216 यहाँ पर रखी गई है, टोटल यहाँ पर 1416 जो है यहाँ पर होते हैं, 1416 रुपये यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी हॉरिजॉन्टल सेल हैव टू पे फी दियर ओरिजिनल कैटेगरी। जो हॉरिजॉन्टल है जैसे आपका ईडब्ल्यू है, जो आपका जो भी है दिव्यांगजन और जो भी हमने बात करी थी फ्रीडम फाइटर, उनके लिए जो अपनी ओरिजिनल कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो फीस पे करनी होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म ड्यू लेटर। जो जो आपकी एग्जाम डेट है एग्जाम डेट आपको बाद में इन्फॉर्म कर दी जाएगी। एग्जाम डेट अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो एग्जाम की डेट है वो बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद में सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना अपना, फिलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल इन द फॉर्म। आपको जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है,
और स्कैन फोटो सिग्नेचर एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है। उसके बाद में आपको जो है अपना फॉर्म भरने के बाद में आपको प्रिंट आउट है उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास सेव रख लेनी है, और प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको जो कि आपको बाद में काम आने वाला है। क्लियर है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है उसके लिए भी हम देख लेते हैं। द एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट दियर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो जो भी कैंडिडेट इलिजिबल हैं वही कैंडिडेट अप्लाई करें और ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन फिल्ड ऑनलाइन थ्रू UPUMS वेबसाइट, जो आपको UPUMS वेबसाइट पे ही फिल करना है। और इसकी जो डेट है वो आपकी 23/2/2024 यानी आज से लेके और 14 मार्च 2024 अप टू 24 आवर यानी रात को 12 बजे तक जो आपका फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलोंग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर दियर रिकॉर्ड। करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड थ्रू एनी मोड ईमेल पोस्ट। तो आपको जो है आपको एकदम करेक्शन जो करेक्ट चीजें हैं फिल करनी है, आपका कोई भी करेक्शन यहाँ पर नहीं किया जाएगा और ओनली ऑनलाइन जो आपका फॉर्म ये भरा जाएगा, पेमेंट का रिकॉर्ड रखना है, प्रिंट आउट भी रखना है, उसके बाद में कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द कैंडिडेट ऑफ सच एप्लीकेंट हु फेल टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाई स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड, नो कॉरस्पॉन्डिंग इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन। यानी अगर आपने लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म नहीं भरा तो उसके बाद में यहाँ पर आपका कुछ भी जो आप अगर बोलोगे कि हम डेट बढ़ा दो तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको जो डेट से पहले पहले सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। दोज अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग दियर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए तो आपको आपको जो है देख लेना अपना एलिजिबिलिटी होना चाहिए तभी आप अप्लाई करें, इसके बिना आप अप्लाई ना करें। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम UPUMS वेबसाइट एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मस्ट साइन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड द सेम शुड बी ब्रॉट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो UPUMS की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है और इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही आपको वो जो आपका साइन करना है, एडमिट कार्ड साइन करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो आपका साइन किया हुआ एडमिट कार्ड आपको लेके आना है। क्लियर है। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल वेरीफाइड बाय द UPUMS FI ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो आपको जो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेके आने हैं सेल्फ अटेस्टेड के साथ में, 2 सेट कॉपी के साथ में। ठीक है, ये आपके बाद की बात है जब आप एग्जाम क्लियर कर लो। एनी डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू द मैटर रेफर टू द हेयर इन सेल बी सब्जेक्ट टू जुडिशन और ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट अलाहाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटावा। तो आपको जो है कुछ भी अगर डिस्प्यूट पाया जाता है तो कोर्ट में आपको पेश किया जा सकता है। इन एंटिसिपेशन ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट सिक्योरिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ETC मे नॉट बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देयर फॉर द एप्लीकेंट आर एक्सेप्टेड प्रोविजनली ओनली। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC एंड सेटिस्फाई देम सेल्फ एंड दे आर एलिजिबल एज द पर रिक्वायरमेंट रूल बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट कैंडिडेचर विल बी कैंसल एट एनी टाइम स्टेज इफ एनी इन्फॉर्मेशन क्लेम नॉट फाउंड सेटिस्फाई। यानी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, गलत पाई गई तो सही होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन मेड बाय द कैंडिडेट इन दियर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे विल बी प्रोविजनली एलिजिबल टू अपियर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाउ ओवर द प्राइमरी स्क्रूटनी विल बी मेड ऑन द बेस्ड ऑफ ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ CBT स्कोर। ऑल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट CBT स्कोर। क्वालिफाइड कैंडिडेट आर सब्जेक्ट टू मल्टी स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड UPUMS FI इफ एनी मोर फाउंड इन नॉट विलिंग टू प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट रूल एनी स्टेज प्रोसेस एंड हर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसल विदाउट एनी फर्दर नोटिस सीट शैल बी 45। यानी आपकी जो आपने अगर एग्जाम दे लिया कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन भर के आपका सिलेक्शन भी हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो आपको निकाल दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, कुछ भी आपको जो है इसके लिए ये वो बोलेंगे नहीं, चुपचाप कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है।
नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन में भी इंक्रीज और डिक्रीज बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो जो आपकी वैकेंसी है उसके नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST SC OBC PWD कैंडिडेट हु ऑप्टेड अप्लाई टू अनरिजर्व वैकेंसी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन आर अदरवाइज अलाउड टू दोज बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरी। फर्दर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ST OBC PWD हु बिकम एलिजिबल बाई वर्च्यू ऑफ एज रिलैक्सेशन अप्लीकेशन इन दियर केस विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर द रिजर्व सीट ऑफ कैटेगरी विच दे बिलोंग। यानी आपको जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो उसी से आपको जो है आपको अगर आप एलिजिबल हो तभी आपको जो है आपको उसका रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो आपको उसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट की हम बात करें तो कैंडिडेट अप्लाइंग द ST OBC विल बी कंसिडर्ड टू सबमिशन ऑफ द वैलिड सर्टिफिकेट। जो भी है वैलिड सर्टिफिकेट आपको करवाना है जमा, ओबीसी कैंडिडेट है उनको 1 सितंबर 2023 के बाद का जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपकी इम्पोर्टेंट चीज है फॉर ओबीसी कैंडिडेट कि आपको जो अपना सर्टिफिकेट है वो 1 सितंबर के बाद में बना हुआ होना चाहिए, 1 सितंबर 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। क्लियर है? कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यूएस ST PWD EDC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम द कैंडिडेचर विल बी कैंसल। अगर आपने कैटेगरी से फिल किया है और आपके पास नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑप्टेन रिक्वायर्ड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस। तो सबको बोला जा रहा है कि जो है आप पहले ही अपना एडवांस में बना के रखें। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपको, तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो लेटेस्ट स्कैन फोटो साइज है, फोटो पासपोर्ट फोटो आपको चाहिए होगी, कलर फोटो कॉपी फोटो चाहिए होगी, स्कैन सिग्नेचर आपके चाहिए होंगे और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और कास्ट सर्टिफिकेट अगर ST OBC ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल एंड अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू सबमिट। कोई भी जो भी आपको लगता है वो आपके अलग सर्टिफिकेट भी आप जो भी आपको दिखाना है वो दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में वर्किंग है उनको NOC प्रोवाइड करवानी है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और नहीं तो आपका जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा कैंडिडेचर। और आप कुछ सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग आपका जो है रिलीविंग लेटर है तो वो भी आपका NOC के अंडर कंसिडर किया जाएगा, या फिर वहां से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया तो वो भी आपका जो है आपका NOC के अंदर कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि एग्जाम कैसा होने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल 3 घंटे का आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, 180 मिनट का यहाँ पर पेपर होने वाला है जिसमें 200 MCQ यहाँ पर मिलेंगी जिसमें 600 मार्क्स के होंगे। यानी आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा और 170 MCQ आपके जो है नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, 30 MCQ जो आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो नो नेगेटिव मार्किंग ये बहुत अच्छी बात है। तो सबके लिए यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए यहाँ पर 40% है और ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 35% है। अब रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, अगर किसी के सेम नंबर आ गए तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ में बड़ा है उसको प्रायोरिटी देंगे, अगर फिर भी नहीं होता है तो रॉन्ग आंसर किसने ज्यादा किए उसको पीछे रखा जाएगा और जिसने कम किए उसको आगे रखा जाएगा, इससे भी नहीं हुए तो उनके सारों दोनों जो डिग्री है उनके मार्क्स के परसेंटेज काउंट करेंगे, जिनके परसेंटेज ज्यादा होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और फिर भी नहीं हुआ तो यहाँ पर जो पहले जिसने कोर्स किया है नर्सिंग करी है उसको यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे और आपको जो है मेरिट है वो CBT स्कोर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस भी डिटेल में दे रखा है, तो INC सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर आपको सिलेबस दे रखा है। तो जनरल इंग्लिश की बात करें तो 10 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 30 नंबर के, जनरल नॉलेज करंट अफेयर आपको 10 नंबर के देखने को पड़ेंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको 10 नंबर की देखने को मिलेगी, एना फिजियो माइक्रो बायोकेमिस्ट्री 15 नंबर, साइको सोशियो 15 नंबर,
CHN आपकी 15 नंबर, चाइल्ड हेल्थ 15 नंबर, और न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 नंबर, MSN 15 नंबर, साइकेट्रिक 15 नंबर, OBG 15 नंबर, ऑप्स गायनी दोनों, और नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च एंड स्टेटिक्स 15 नंबर, और प्रोफेशनल ट्रेंड्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड मैनेजमेंट 15 नंबर, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 20 नंबर। तो टोटल आपको 200 नंबर का इस तरह से देखने को मिलेगा, और सॉरी 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 600 मार्क्स के होंगे। ऑल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई द रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एज पर डिटेल गिवन अबो आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंडक्टेड बाई UPUMSFI इटावा ऑन वेबसाइट। तो आपको जो भी है कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, कहीं और आपको के लिए अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है? तो ये था आज के इस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपकी कोई क्वायरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वायरी रिजोल्व की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।